छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इन दिनों अंतर जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसके दूसरे दिन मंच पर कई एकांकी प्रस्तुतियां देखने को मिली। एकांकी यानी एक नाटक जिसका सिर्फ एक ही अंक होता है। इस विधा में विश्वविद्यालय से संबद्ध कई महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अबे एक्साइटेड तो हम भी हैं। अबे तो नहीं आना था क्या? वाह यार बेशरम। स्क्रिप्ट चेंज की थी क्या तूने? मुझे नहीं आना था। मुझसे छत्ता की बात मत करिए। क्यों? क्या कर लेगी तू? तुम्हारी औकात है, कुछ तो करूंगी। औकात की बात करती है? चिल्लाइए मत। क्यों? मैं आपके सुनों को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती है? आप लोग लात जूते खा के ही मानते हो। मार के दिखा। तूने मुझे थप्पड़ मारा है। हट। देखना तू नाचना चाहती है ना? तू नाचना चाहती है ना? तू सारी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। बर्बाद कर दूंगा तुझे मैं, बर्बाद कर दूंगा। कार्यक्रम में बतौर अतिथि और निर्णायक के तौर पर आकाशवाणी के जाने माने उद्घोषक हर्ष पांडे मौजूद रहे। उन्होंने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इस कला की बारीकियां बताई। एकांकी यानी एक अंक। जिस नाटक में एक अंक हो और जो कोई उद्देश्य लेकर हमारे सामने प्रस्तुत की जाए वो एकांकी कहलाती है। 20वीं शताब्दी से इसका आरंभ हुआ था। बहुत सारे युग हमारे यहाँ जयशंकर प्रसाद भारतेंदु युग चला और ये एक ऐसी विधा है जो लुप्त होने की कगार पर है। बच्चे खासतौर पर युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप दूर दूर से ऐसी ठंडे में आए, अपने अभिनय कला का प्रदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करते हैं। गौरतलब है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 17 से 19 तक अंतर जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं।